सो गाइज वेलकम बैक टू इंडियन टॉक एंड आज बात करने वाले हैं एमजी हेक्टर प्लस 7 सीटर के बारे में। 6 सीटर वर्जन में ऑलरेडी गाड़ी अवेलेबल थी इंडियन मार्केट में, बट कुछ बदलाव के साथ में इसे लॉन्च किया गया है इंडियन मार्केट में फिर से नई प्राइस के साथ में। तो चलिए जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्राइसिंग से और प्राइस चार्ट आप लोगों के सामने है। हेक्टर 2021, हेक्टर प्लस 6 सीटर और हेक्टर प्लस 7 सीटर। क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ हेक्टर प्लस 7 सीटर की बात हो रही है तो मैं उसी की प्राइस रीड आउट करूंगा। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके हेक्टर 2021 की भी प्राइस देख सकते हैं, बट ऑलरेडी उसके लिए एक सेपरेट वीडियो चैनल के ऊपर आने वाली है तो आप उसका वेट कर लीजिए, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं। इसमें एक नया वेरिएंट भी एड ऑन हुआ है, वो आप लोगों को दिख रहा होगा। सबसे पहले इसमें आप लोगों को मिलेगा स्टाइल वेरिएंट जो कि पेट्रोल में है, 13,34,800 रुपीज़ का मैनुअल वर्जन के साथ में। वहीं अगर आप सुपर लेते हैं तो 14,84,800 रुपीज़ आपको मिलता है हाइब्रिड मैनुअल। अब अगर आप लोग डीजल में देखते हैं सेम यही स्टाइल वेरिएंट जो कि बेसिक वेरिएंट है हेक्टर प्लस 7 सीटर का, ये आपको पड़ेगा 14,65,800 रुपीज़ का। और अगर आप सुपर वेरिएंट लेते हैं तो ये आपको पड़ेगा 15,75,800 रुपीज़ का। स्मार्ट वेरिएंट की बात करें तो ये सिर्फ आपको डीजल वेरिएंट में अवेलेबल होगा 17,51,800 रुपीज़ में। और सिलेक्ट जो कि सिंगल एक वेरिएंट हेक्टर प्लस 7 सीटर में ही मिलेगा, 6 सीटर में भी अवेलेबल नहीं है, जो कि 18,32,800 रुपीज़ का। तो ये सारे वेरिएंट्स आपको मिलेंगे हेक्टर प्लस 7 सीटर में। एंड हेक्टर प्लस 6 सीटर जो है वो आपको DCT वर्जन में भी अवेलेबल है, हाइब्रिड मैनुअल ऑटोमेटिक जो भी है, वो सारे वर्जन आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। तो ये तो रही प्राइस की बात। अब ऑन रोड प्राइस तो डेफिनेटली सभी स्टेट्स में अलग अलग होती है तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता नहीं सकता सारे स्टेट्स की, वो आपको नियरेस्ट डीलर पे कॉल करके पता चल जाएगी। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एक बार ओवर व्यू ले लेते हैं एक्सटीरियर का कि एक्सटीरियर में क्या कुछ है। उसके बाद में जो बड़े चेंजेस हुए हैं वो इंटीरियर में ही हैं। मैकेनिकली जो है वो भी गाड़ी पूरी सेम है। स्पेक्स जो है वो लास्ट में मैं आप लोगों को बता ही दूंगा और नीचे आर्टिकल की लिंक दी हुई है जो अपनी वेबसाइट पर पोस्ट हो चुका है, जाके आप आराम से रीड आउट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो फ्रंट में आप लोगों को काफ़ी मैसिव सी दिखने वाली फ्रंट ट्रीटमेंट के साथ में एक ग्रिल मिलने वाली है। बीच में एमजी का लोगो क्रोम में बहुत ही प्यारा दिख रहा है। उसके जस्ट नीचे 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट कैमरा जो है माउंट किया हुआ है। एंड जो हेडलैम्प सेटअप है वो बिल्कुल सिमिलर है जैसा कि अपन नॉर्मल हेक्टर में देखते हैं। देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से ये जो है दिखाई दे रहा है। LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल रहे हैं आपको इसमें। फ्रंट पार्किंग सेंसर स्टोइंग हुक भी जो है वो दिखाई दे रहा है। अब जो LED डी टाइम रनिंग लाइट्स हैं वो ऊपर की तरफ प्लेस की गई है, बोनेट और बम्पर के जस्ट बीच में प्लेस की गई है और डेफिनेटली ये दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है। टर्न इंडिकेटर्स भी जो हैं आप लोगों को नीचे जो हेडलैम्प असेंबली है वहीं पर मिलेंगे। अब साइड प्रोफाइल की अगर बात करूं तो ऑटोमेटिक फोल्ड अनफोल्ड मिरर जो है वो यहाँ पर दिया है और मिरर के ऊपर ही LED जो है टर्न इंडिकेटर्स माउंट किए हुए हैं। हेक्टर प्लस की बैजिंग जो है रियर साइड में आपको देखने को मिलेगी और जो रियर डिज़ाइन है वो बिल्कुल सिमिलर है जैसा पहले आया करता था। हेक्टर प्लस में इसमें कोई अपडेट नहीं किए गए हैं, क्रोम स्ट्रिप ही मिलती है। और जो हेक्टर फेसलिफ्ट आई है 5 सीटर वर्जन में उसमें आपको पियानो ब्लैक फिनिश जो है वो मिलती है। बाकी रियर जो बम्पर है उस पर 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं एंड नंबर प्लेट लाइट्स जो होती हैं उसी के पास में आपको कैमरा माउंट किया हुआ है। बाकी सभी चीज़ें सेम हैं, डोर हैंडल्स वगैरह या जो विंडो लाइंस वगैरह हैं वो भी सेम है, रूफ रेल्स सभी डिटेल्स जो हैं वो सेम रखी गई है। एक्सटीरियर में और कोई भी बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं। अब जो एक्सटीरियर का जो चेंजिंग वाला पार्ट है जो आप सोच रहे होंगे वो है 18 इंचेस के ड्यूल टोन अलॉय व्हील्स। अब इस गाड़ी को ये अलॉय व्हील मिल गए हैं और फाइनली यही चाहिए था बिकॉज जो हेक्टर है गाड़ी ओवरऑल इसका जो प्रेजेंस है रोड प्रेजेंस या बॉडी की डिज़ाइन है उसको देखते हुए जो पहले 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स आया करते थे वो काफ़ी छोटे लगते थे और जो व्हील आर्चेज हैं उनमें अलग ही ऐसा लगता था कि या तो शायद ये स्पेयर व्हील लगा रखा है और प्रोपोर्शन जो है वो प्रॉपर बैठता नहीं था। तो अब जो सिमेट्री है वो काफ़ी अच्छी लग रही है, रियल लाइफ में भी गाड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है। आप लोगों के साथ में मैंने रील्स शेयर करी है चूँकि अभी हम लोग एम्बार्गो में थे तो गाड़ी जो है आप लोगों को बता नहीं पाते, तो रियल लाइफ रील भी आप लोग इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 30,000 व्यूज हो चुके हैं उस पर भी। तो अब आगे चलते हैं और इंटीरियर में आ जाते हैं फटाफट से क्योंकि इंटीरियर इस गाड़ी का बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा है। एब्सोल्युटली जब भी इस गाड़ी को आप एक्सप्लोर करेंगे, आप इसको बैठेंगे तो आपको काफ़ी फ्रेशनेस जो है वो फील होगी। रीज़न ये है कि ब्राउन एंड ब्लैक कलर का जो ये थीम रखा गया है वो बहुत ही
लग्जूरियस जो फील है वो आपको देता है, और सदाबहार है यानी कि कभी भी आप इससे बोर जो है वो नहीं होंगे। ऊपर आपको काफ़ी बड़ा पैनारोमिक सनरूफ मिल जाता है, ऑलमोस्ट पूरी जो रूफ़ है वो आपको क्लियर आउट विजिबल हो जाती है, रूफ़ से बाहर आप जो है क्लियरली विजिबल कर सकते हैं, शेड जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील वगैरह आप लोग देख सकते हैं, सभी चीज़ें काफ़ी सही है। सीट की फॉर्मेशन एक बार समझ ली जाए, इसमें आप लोगों को जो है फ्रंट में दो लोग बैठेंगे डेफिनेटली, ड्राइवर एंड को पैसेंजर। उसके बाद में जो है अब कैप्टन सीट हटाकर यहाँ पर बेंच सीट जो है वो दे दी गई है। अब बेंच सीट में आप लोगों को तीन एडल्ट बैठने की यहाँ पर कंफर्टेबल आराम से बैठने की जगह दी गई है, और तीनों लोगों के लिए डेडिकेटेड हेडरेस्ट भी दिए हुए हैं। आर्म रेस्ट आपको मिल जाएगा, अगर आप दो लोग बैठे हैं तो आर्म रेस्ट का आप एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। साथ ही अब अगर पीछे वाली सीट की बात की जाए तो वहाँ पर आप लोग दो, मतलब बोल सकते हैं कि 14-15 साल के बच्चों को जो है वो बिठा सकते हैं, वहाँ पर बच्चे ही बैठना पसंद करेंगे, और पीछे भी उन लोगों के लिए चार्जिंग पॉइंट वगैरह जो है उसकी फैसिलिटीज़ कंपनी प्रोवाइड करती है, ये काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट अब एक और बात आपको बता दूं कि जब तीनों रो ऊपर होती है तब भी बूट स्पेस जो है वो काफ़ी आपको डिसेंट सा मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि जो इसकी राइवल है XUV 500 उसमें तो बिल्कुल ना के बराबर बूट स्पेस बचता है, तो इसमें बूट स्पेस थोड़ा सा बड़ा होता है और थोड़ा बहुत तो आप सामान रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर 7 लोगों का सामान उसके अंदर आ जाएगा, बट अगर आप सीट फोल्ड करते हैं तो डेफिनेटली आप जितने लोगों के लिए लाइक एक्स्ट्रा 5 लोगों के अलावा भी कुछ सामान लेके जाना चाहें तो जा सकते हैं, इतना बड़ा बूट जो है वो क्रिएट यहाँ पर हो जाता है। अब बात करते हैं कि इंटीरियर में चेंजेस क्या हुआ है, तो जो चेंजेस हैं वो फिजिकली नहीं है, वो टेक्निकली हैं, जैसा कि अब इसके अंदर आप लोगों को जो है 35+ इंग्लिश कमांड जो है वो समझ जाएगी गाड़ी, और आप हे एम जी बोलिए और उसके बाद में खुल जा सिम सिम बोलेंगे सनरूफ खुल जाएगा, और हवा हवाई बोलेंगे तो जो एसी है वो चालू हो जाएगा, तो ऐसी इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो समझने लगी है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपना प्रमोशन कर देता हूँ कि अपनी जो वेबसाइट है indiantorque.com वो भी इंडिया की पहली ऐसी ऑटोमोबाइल वेबसाइट है जहाँ पर इंग्लिश में कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड होता है, तो डेफिनेटली एक बार ज़रूर से चेकआउट करो, सपोर्ट करो। अब बात करते हैं इसके अंदर और क्या फीचर्स मिलते हैं, तो 60+ कनेक्टेड फीचर्स तो आपको मिलते ही हैं, आप कई सारे सेफ्टी फीचर्स से ये गाड़ी लैस है, जियो फेंसिंग वगैरह कर सकते हैं, अभी आपको टायर प्रेशर बोल के भी बता देगी अगर क्रिटिकल कंडीशन में गाड़ी चले जाती है, टायर प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होता है तो ये आपको सिर्फ बीप के थ्रू नहीं सिर्फ बोल के डायरेक्ट बताएगी कि क्या जो हवा का प्रेशर है वो कम है, कौन से टायर में है, क्या करवाना चाहिए, और नियरेस्ट एयर प्रेशर वगैरह वो भी सर्च करने में हेल्प करेगी। तो ओवरऑल जो गाड़ी है वो अब और ज़्यादा स्मार्ट हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, और डेफिनेटली पहले भी ये गाड़ी इस सेगमेंट में तो एडवांस ही। बाकी जो नॉर्मल फीचर्स हैं वो तो आपको कई सारे इसके अंदर मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल, ऑटो डिमिंग, IRVM, रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प एंड बाकी दूसरे टैक फीचर्स बहुत सारे। तो ये हैक्टर प्लस 7 सीटर, आई होप आप लोगों को ये गाड़ी पसंद आई होगी। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट इसकी रोड प्रेजेंस की बात कर ली जाए तो वो भी एक बार आप देख ही लो कि इसकी रोड प्रेजेंस है कैसी। गाड़ी जो दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी मैसिव है, और इसकी रोड प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छी है। अभी भी चूंकि इस गाड़ी को आए को इंडियन मार्केट में ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं, प्लस को नहीं नॉर्मल हैक्टर को, तब भी ये गाड़ी जो है टर्नर का काम करती है, जब भी जहाँ से निकलती है लोग इसको टर्न होकर ज़रूर से एक बार देखते हैं। तो ये हैक्टर प्लस 7 सीटर, जो भी अपडेट्स थे मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे, आई होप आप लोगों को ये सभी डिटेल्स पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर मार्क करो, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ में मिल जाए, आप लोगों को हाथों हाथ उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। और कोई वीडियो देखना चाहते हैं नीचे कमेंट करिए, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन नहीं है ज़रूर से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आप लोगों को सारे अपडेट्स डेली ऑटोमोबाइल्स रिलेटेड टीम प्रोवाइड कर रही है तो वो आप ले सकते हैं। So guys, thanks for watching this video. See you tomorrow next video. Have a nice day. Bye-bye and drive safe.